दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्रोसेसर को हाई सिलिकॉन किरिन 990 5G वाले प्रोसेसर से। दोनों ही प्रोसेसर 5G इनेबल्ड प्रोसेसर हैं, दोनों ही प्रोसेसर के अंदर तगड़ी स्पेसिफिकेशन मिलती है और दोनों ही प्रोसेसर अपने अपने ब्रांड के फ्लैगशिप प्रोसेसर हैं। तो भाई इस वीडियो के अंदर करेंगे दोनों प्रोसेसर को कंपेयर और देखेंगे दोनों में से कौन सा है बेटर। फटाफट से कंपेरिजन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। भाई सबसे पहले बात करते हैं दोनों प्रोसेसर के लॉन्च डेट की। तो किरिन 990 5G वाला प्रोसेसर लॉन्च हुआ था 6 सितंबर 2019 को और डायमेंसिटी 1000 लॉन्च हुआ है 26 नवंबर 2019 को। यानी कि रिकॉर्डिंग डेट पे दोनों ही प्रोसेसर एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर है। सीपीयू क्लॉक स्पीड की अगर बात की जाए तो किरिन 990 के अंदर आपको ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर 8 में से 2 कोर मिलते हैं आपको कॉर्टेक्स A76 के साथ में, जहाँ पर क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 2.86 गीगाहर्ट्ज की। जो अगले 2 कोर है वहाँ पर भी आपको कॉर्टेक्स A76 ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन वहाँ पर क्लॉक स्पीड आपको मिलती है 2.36 गीगाहर्ट्ज की। और जो बचे हुए 4 कोर है वो आपको एफिशिएंसी के लिए मिलते हैं कॉर्टेक्स A55 के साथ में, जहाँ पर क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 1.95 गीगाहर्ट्ज की। डायमेंसिटी 1000 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर ही देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर 4 कोर मिल जाते हैं आपको परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको लेटेस्ट वाला कॉर्टेक्स A77 देखने के लिए मिलता है। क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 2.6 गीगाहर्ट्ज की। एफिशिएंसी वाले कोर में आपको कॉर्टेक्स A55 देखने के लिए मिलता है और क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 2.0 गीगाहर्ट्ज की। सीपीयू के हिसाब से अगर बात की जाए तो डायमेंसिटी के अंदर आपको लेटेस्ट वाले सीपीयू देखने के लिए मिलते हैं कॉर्टेक्स A77 वाले। सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि फैब्रिकेशन प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होता है। फैब्रिकेशन प्रोसेस का मतलब होता है भाई कि जब प्रोसेसर बनाया जा रहा है तो उसका जो सेमीकंडक्टर है उसका साइज कितना रखा गया है, और ये साइज जितना कम रखा जाता है प्रोसेसर उतना बेटर परफॉर्म करता है, उतना एनर्जी एफिशिएंट होता है और हीट भी उतना ही कम होता है। यहाँ पर बात की जाए किरिन 990 5G को प्रोसेस किया गया है 7 नैनोमीटर प्लस EUV टेक्नोलॉजी पर। यहाँ पर EUV का मतलब होता है एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी। डायमेंसिटी 1000 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको फैब्रिकेशन प्रोसेस दिखने को मिल जाती है 7 नैनोमीटर की। तो यहाँ पर फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में किरिन 990 के अंदर ज़्यादा बेटर फैब्रिकेशन प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो EUV टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। CPU आर्किटेक्चर एंड कोर्स की अगर बात की जाए भाई तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर 64-bit के ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। यानी कि दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए 8 कोर मिलते हैं। GPU यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट किरिन 990 के अंदर आपको मिलता है आर्म माली G76MP16 GPU। बहुत तगड़ा GPU है भाई, ग्राफिक परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी मिलती है। साथ ही में यहाँ पर क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 700 MHz की। बात की जाए डायमेंसिटी 1000 की तो यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा बढ़िया वाला और भी ज़्यादा लेटेस्ट GPU देखने के लिए मिलता है। आर्म माली G77MC9 GPU आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो डायमेंसिटी 1000 के अंदर भी आपको गेमिंग की और ग्राफिक से रिलेटेड परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी मिल जाएगी। तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के मामले में भी डायमेंसिटी 1000 थोड़ा सा बेटर है। रैम सपोर्ट की अगर बात की जाए तो किरिन 990 के अंदर आपको क्वाड चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर कितना साइज मिलता है रैम का वो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो रैम फ्रिक्वेंसी है वो आपको मिल जाती है 2133 MHz की। डायमेंसिटी 1000 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है। मैक्सिमम रैम साइज आपको मिल जाता है यहाँ पर 16 GB का, और रैम फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है यहाँ पर 1866 MHz की। तो रैम सपोर्ट के मामले में बेटर रैम फ्रीक्वेंसी आपको किरिन 990 के अंदर मिल जाती है, लेकिन जो साइज है वो अगर 16 GB तक किरिन 990 में मिलता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन डायमेंसिटी 1000 के अंदर तो 16 GB का मैक्सिमम रैम साइज मिल ही जाता है, लेकिन रैम सपोर्ट के मामले में किरिन 990 फिर भी बेटर लगता है। स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात की जाए तो किरिन 990 के अंदर आपको तीनों स्टोरेज सपोर्ट मिल जाते हैं, eMMC 5.1, UFS 2.1, साथ ही में UFS 3.0 का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। डायमेंसिटी 1000 के अंदर आपको UFS 3.0 का सपोर्ट नहीं मिलता है, eMMC 5.1 और UFS 2.1 का ही सपोर्ट मिलता है। तो रीड राइट की स्पीड आपको बेटर मिलेगी किरिन 990 5G में, अगर वो फोन UFS 3.0 वाले स्टोरेज के साथ आता है तो। कैमरा सपोर्ट के बारे में अगर बात की जाए, किरिन 990 के अंदर आपको सिंगल कैमरा मिल सकता है 64 MP तक का, यहाँ पर फ्रेम रेट आपको मिल जाएगा 30 FPS का, और जो मैक्सिमम लेंस साइज है सिंगल कैमरा में वो आपको मिल सकता है 108 MP तक का। हालांकि किरिन 990 के कैमरा सपोर्ट के मामले में बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, जितनी मेरे को मिली है मैंने यहाँ पर आपको सारी बता दी है। डायमेंसिटी 1000 की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप डुअल कैमरा यूज़ करते हैं तो 32+16 MP तक का डुअल कैमरा मिल जाता है,
सिंगल कैमरा अगर यूज करते हैं तो आपको 80 मेगापिक्सल तक का सिंगल कैमरा मिल जाता है, साथ ही में जो एडिशनल कैमरा से उनका सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि टेलीफोटो लेंस, HDR का सपोर्ट मिल जाता है, डेप्थ प्रोसेसिंग का सपोर्ट मिल जाता है। कैमरा सपोर्ट के मामले में दोनों प्रोसेसर तकरीबन एक जैसे लगते हैं। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की अगर बात करें, किरिन 990 के अंदर आपको 8K अल्ट्रा HD वीडियो कैप्चर का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर फ्रेम रेट आपको मिल जाता है 30 फ्रेम पर सेकंड का, और अगर आप 4K अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको 60 फ्रेम पर सेकंड का फ्रेम रेट मिल जाता है। डायमेंसिटी 1000 की बात की जाए तो यहां पर आप 8K वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकंड पे। फुल HD प्लस वीडियो यानी 1080 पिक्सल वाले वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 फ्रेम पर सेकंड पे, और HD वीडियो अगर रिकॉर्ड करते हैं तो आपको फ्रेम रेट मिल जाता है 240 फ्रेम पर सेकंड का। यहाँ पर वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में किरिन 990 के अंदर आपको बेटर ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में बेटर है किरिन 990। डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात की जाए तो किरिन 990 के अंदर आपको 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर मैक्सिमम रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है 2160x3840 पिक्सल्स का। वहीं पर डायमेंसिटी 1000 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको केवल फुल HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर मैक्सिमम रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है 2520x1080 पिक्सल्स का। डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में डायमेंसिटी 1000 का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये कि यहाँ पर डिस्प्ले बहुत बेकार मिलता है, बहुत बेकार नहीं बोल सकते, लेकिन जिस लेवल का प्रोसेसर है, फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर में आपको FHD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिले केवल, तो ये अच्छी बात नहीं है। डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में किरिन 990 बहुत ज़्यादा बेटर है। बात करें LTE मॉडेम के बारे में तो किरिन 990 के अंदर इंटीग्रेटेड बैलोंग 5G मॉडेम देखने के लिए मिलता है, जो कि हुआवे का अपना खुद का मॉडेम है। डाउनलोड की स्पीड आपको मिल जाती है 2.3 GBPS की, अपलोड स्पीड आपको मिल जाती है 1.25 GBPS तक की। अच्छी खासी डाउनलोड और अपलोड स्पीड आपको किरिन 990 में मिल जाती है। बात करें डायमेंसिटी 1000 की तो यहाँ पर भी आपको 5G NR मॉडेम देखने के लिए मिलता है, जिसको MediaTek Helio M70 मॉडेम भी कहा जाता है। डाउनलिंक के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है कैट 19 मॉडेम, और डाउनलोड स्पीड आपको मिल जाती है 4.7 GBPS की, अपलोड स्पीड आपको मिल जाती है यहाँ पर 2.5 GBPS तक की। तो LTE मॉडेम के मामले में डायमेंसिटी बेटर लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेटर डाउनलोड और अपलोड की स्पीड मिल जाती है। बात करें दोनों प्रोसेसर के एंटीटू स्कोर्स की, किरिन 990 का एंटीटू स्कोर्स अभी तक आउट नहीं हुआ है। डायमेंसिटी 1000 को मिलते हैं 511,363 पॉइंट, ऑसम पॉइंट है, मैसिव पॉइंट्स है, और बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर से निकल के आने वाली है। Geekbench स्कोर की बात करने से कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि दोनों ही प्रोसेसर के Geekbench स्कोर अभी बाहर नहीं हुए हैं। जैसे ही बाहर होते हैं मैं Instagram पे बता दूंगा, तो अगर आपने मेरे को Instagram पे फॉलो नहीं किया है तो तुरंत से फॉलो कर लीजिए, मेरा Instagram हैंडल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो भाई ये था कंपैरिजन MediaTek Dimensity 1000 का हाई सिलिकॉन किरिन 990 5G वाले प्रोसेसर से, और भाई बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन था। कोई कोई चीजों में MediaTek Dimensity 1000 बेटर था, तो कहीं पर किरिन 990 बेटर था। भाई बहुत ही यहाँ पर टफ कॉम्पिटिशन था, लेकिन जो अल्टीमेट विनर निकल के आता है इस बैटल का हमारे हिसाब से, वो है Dimensity 1000। और उसका रीजन है भाई कि एक प्रोसेसर के अंदर जो एंड यूजर के हिसाब से मेन चीज होती है, वो होती है CPU और GPU, और यहाँ पर CPU और GPU दोनों ही हमको बेटर मिलते हैं MediaTek Dimensity 1000 के अंदर। तो इस बैटल का विनर निकल के आता है MediaTek Dimensity 1000। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई दोनों में से आपको कौन सा प्रोसेसर अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बता देना। कंपैरिजन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।